बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी। नवी मुंबई के आरोपी भागवत सिंह गिरफ्तार। सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस तो कमाठी से चंद्रशेखर बावनकुले लड़ेंगे चुनाव में। हरियाणा बीजेपी चीफ महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, महिला और किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किए, वो हमें वोट देंगे। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव। महागठबंधन ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। आरजेडी सांसद मीसा भारती का दावा, उपचुनाव में बिहार की 4 सीटों पर जीतेगा इंडिया अलायंस। काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, 6,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। आई हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की रखी आधारशिला। पराली को लेकर एक बार फिर शुरू हुआ राज्यों में टकराव। दिल्ली की सीएम आतिशी ने पंजाब में अपनी पार्टी की सरकार का किया बचाव। कहा, पंजाब में पराली जलाने के मामले घटे, यूपी हरियाणा में बढ़े। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट से हड़कंप। स्कूल के आसपास की दुकानों और गाड़ियों के शीशे टूटे। धमाके के बाद बिखरा दिखा सफेद पाउडर। राजस्थान के धौलपुर में बस और टेम्पो की टक्कर में 12 लोगों की मौत। मृतकों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक।